ट्रिपर्स, कैसे हैं आप? हो गई है एक नई दिन की शुरुआत, मेरे लिए है गुड मॉर्निंग, आप लोग के लिए होगी गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है शाम के 5:30-6 के अराउंड और मैं अभी आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट मुंबई से डिस्ट्रिक्ट पुणे की तरफ, क्योंकि जहाँ मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ दिस प्लेस इज कॉल्ड बावना लेक। आप में से बहुत लोगों ने शायद सुना होगा इस जगह के बारे में, शायद नहीं सुना होगा क्योंकि मेरे लिए भी दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम कि मैं बावना डैम या बावना लेक की साइड आया हूँ। मेरे पीछे के नज़ारे हैं कुछ ऐसे, बाइकर्स वगैरह आ रहे हैं, सामने से ट्रक रूट है, बावना ड्रीम लैंड कैंपिंग की तरफ यू हैव टू गो लेफ्ट, और वो रही बावना लेक। सो बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट गेट अवे फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई और पुणे। सो मैंने और मेरे फ्रेंड ने भी ये सोचा कि चलो बावना लेक की साइड चलते हैं आज और एक्सप्लोर करते हैं कि बावना लेक क्या है। फिलहाल बहुत हवा चल रही है, फिलहाल हम अपनी गाड़ी से आए, गाड़ी हमने पार्क करी है अपनी कूलर वाइट कलर, और ये है कुछ नज़ारे। अभी आपको ऊपर चल के भी दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ लिखा है बावना ड्रीम लैंड कैंपिंग, लाइक यहाँ पे बहुत से कैंपिंग कैंप करने के लिए है, होटल्स वगैरह है, जब तक है तब तक सब एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ी सी पैरों से भी ऑफ रोडिंग कर लें। काफी सारे यहाँ पे खाने पीने की जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत आप खा पी सकते हैं। तो ये है ऐसी, यहाँ से हमने एंट्री ली गाड़ी की, ये है ऐसी कुछ पार्किंग यहाँ की, काफ़ी लोग वगैरह आए हुए हैं, वो खड़ी है हमारी गाड़ी और लीक है उस साइड पे जहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। और ये है मेरा फ्रेंड अभिनव, चलते हैं फिलहाल अपना लेके। तो भाई क्या क्या प्लान है, अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी लेक की साइड चल रहे हैं, लेक के साइड चलते हैं, अपने ट्रिप पर फैमिली को भी दिखाते हैं लेक में क्या है, लेक में क्या है क्या नहीं। ओके भैया, वॉशरूम वगैरह येलो वाले सामने दो। अच्छा, और जो जो आप 50 बता रहे हो, गाड़ी यहीं पे खड़ी करने का है? खड़ी करना है, और वो नीचे लेके जाना है तो 800 रुपए वहाँ देना है। पर्ची आप दोगे दोनों? पर्ची दोगे दोनों जगह की? प्राइवेट है दोनों जगह की। ट्रिपर, जैसा आपने सुना होगा कि अगर गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी हो रही है, यहाँ पे मीन्स जैसे हमारी ये खड़ी है गाड़ी, तो यहाँ के लाइक वी हैव टू पे 50, और गाड़ी अगर इस रूट से पूरा लेक की साइड अगर जा रही है ऐसे पूरा घुमा के, तो वहाँ पे हमको देने हैं 100 रुपीज़, जो कि कॉस्टली है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अगर हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, यहाँ से उठा के हम वहाँ खड़ी कर लें तो थोड़ी हमें देने पड़ेंगे पैसे। बट ठीक है, हर जगह का अपना रहता है, हर जगह आपको लोग पता ही कि हर जगह हमारे साथ पार्किंग का इशू बहुत होता है, बट यहाँ पे आपका ट्रिप पर संभव नहीं है तो मैं ही हूँ, बट ये पार्किंग का इशू हमारी जान नहीं छोड़ेगा, खड़ लेंगे कहीं ना कहीं, खड़ी जुगाड़ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, ये है हाईवे, यहाँ से आप आए जो कि एंड है, आप आगे भी जा सकते हो, फिर वो लाइक हाईवे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हमने अभी स्टे लिया, हम यहाँ उतर गए क्योंकि लेक की एंट्री यहीं से है, और पार्किंग के अमाउंट मैंने बता दी है आपको कि पार्किंग की क्या अमाउंट है, पार्किंग के अमाउंट मैंने आपको बता दी है, ऊपर खड़ी करेंगे 50, नीचे खड़ी करेंगे 100। और ऐसी कुछ है हमारी पर्ची, और अगर आप यहाँ पे पैदल भी ट्रैवल कर रहे हो लाइक मेरी तरह, अगर आप पैदल भी इस प्रॉपर्टी में एंट्री ले रहे हो, तो यहाँ इसके लिए भी आपको ये 20 रुपये पर पर्सन की पर्ची कटेगी, क्योंकि ऐसा बोल रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट आई एम नॉट अवेयर कि बावना लेक प्राइवेट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट ओन्ड है ये, बट फिलहाल 20 रुपये दिए हमने। हालांकि इसमें 60 रुपीज़ लिखे, उन्होंने दो पर्चियाँ बचा ली हैं, चोरी कर ली हैं, वरना कायदे से दो लोग की दो पर्ची होनी चाहिए।
ये है रास्ता ऊपर की कैंपिंग का और ये रास्ता है नीचे की कैंपिंग का। ये रही पापना लेक और ये रहा पापना डैम। फिलहाल 900 मीटर का ये थोड़ा सा पैच है, ये बड़खाबड़ जैसा आप लोग देख रहे होंगे। ये हमने अपनी गाड़ी नहीं लाया यहाँ पे, तो पहले हमने सोचा कि यहाँ पे पैदल रुक कर ही देख लें कि कैसा पैच है, लाइक इज दिस प्लेस इज वर्थ स्टे और नॉट। बाकी अपनी बाइक्स वाइक्स भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ है ना। आपका भाई कैसा लग रहा है, मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना अपने ट्रिपर ब्रदर क्षितिज को एंड ट्रिपर ब्रदर संभव को। ट्रिपर्स, ऐसा कुछ पैच है ये पूरा, हम वहाँ पे खड़ी है पार्किंग, वहाँ पे हमारी गाड़ी और हम इतना ये वॉक करते हुए फिर मैं यहाँ से आते हुए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि ये है पैच और ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगे। फिलहाल मैं पैचेस को पार करता हुआ अपने वाइट वाइट से जूतों में इन पैचेस को पार करता हुआ जा रहा हूँ पापना लेक की तरफ। जो लोग यहाँ पे नहीं आए या जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनको दोबारा यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव ऑन ट्रिपर ब्रदर व्लॉग्स। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये छोटा सा सक्सेस है, ये है ऐसी कुछ जगह यहाँ की। व्यू तो बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल अभी हम उतर रहे हैं इस पैचेस से। ट्रिपर्स, वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके चंडीगढ़ में जैसे सुखना लेक है, पवई में पवई लेक है, अरे पवई लेक की बात नहीं करते, जिन लोगों ने मेरा पवई लेक का शॉट देखा होगा या ब्लॉग देखा होगा वो लोग समझ गए हैं, अगर नहीं देखा है लास्ट लोग मेरा पवई लेक का, सो प्लीज गो एंड वॉच इट आउट। सो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि पवई लेक है वहाँ पे इतनी ऑफ रोडिंग या इतने पैचेस नहीं है, चंडीगढ़ में सुखना लेक है वहाँ पे भी वहाँ इतनी ऑफ रोडिंग पैचेस नहीं है, बट आई थिंक पावना लेक यहाँ के लोगों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड का गेटअवे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अपनी फैमिलीज छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, कुछ कपल्स भी आते हैं यहाँ पे, सो नॉट अ प्रॉब्लम। और ये लाल मिट्टी देख के आप समझ चुके होंगे कि ये लाल मिट्टी तो आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिखती है, बिकॉज दिस इज ऑल रेड सॉइल। उतनी दूर से आ रहे हैं, उतनी दूर से कहीं से आ रहे हैं और चल रहे हैं और चल ही रहे हैं। देख भी तो लें कि पावना लेक में है क्या आखिर। जहां तक नजर जाएगी ट्रिपर्स वहां तक रेड सॉइल है और ऑफ रोडिंग है, गाड़ी से आओगे गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी 800-900 मीटर दूर, एंड वहाँ से यू हैव टू कम। साउंड में दिख रहा होगा, सॉरी सुनाई दे रहा होगा, तो ऐसा कुछ है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे
मुंबई और पुणे के बीच लाइक लोनावला और खंडाला एक मिनी बीच सा बना दिया, लेक सा बना दिया, जहाँ पे लोग आके परफेक्ट वीकेंड गेटअवे का मज़ा ले रहे हैं। फिलहाल चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है भाई। व्हाट अ प्लेस, ठीक है, मतलब यहाँ के लोग के लिए आई थिंक ये सही है। कैंप्स, अच्छा कैंप्स वो रहे सामने, रूटिंग इज ऑन गाइस। एक दूसरी साइड हम वहाँ से आए, एक थी वो साइड जहाँ पे पहले खड़े थे, वो अभी ना आ रहा है, और ये है लेक, वो रही लेक, और एक लेक ये है, और तीन साइड से लेक्स के बीच देखता हुआ आपका ट्रिप बता रहा। खड़े होके अपने लिए कुछ अच्छी फोटोज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा पूरा प्रॉपर 180 डिग्री व्यू पावना लेक का। फिलहाल अपडेट कुछ ऐसी है कि मैं अगर आप लोग को अपना चेहरा दिखाऊंगा तो आप लोग शर्मा जाओगे, क्योंकि हो चुकी है बहुत गंदी वाली बारिश। जो मैंने लास्ट अपडेट दी थी आपको कि हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई हैं, ये देखो मेरा चेहरा, जो कि मैं ऑलमोस्ट नहीं, मैं पूरा पानी में भीग चुका हूँ, और भाई 3-4 किलोमीटर पूरा चढ़ के भागते हुए भीगते हुए। नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर कार। शायद हमने एक गलती कर दी कि कार हमने बाहर पार्किंग में खड़ी करी थी, हम अंदर नहीं लाए। तो आप लोग जब भी यहाँ आओ, बिन मौसम बरसात हो सकती है, सो बी अवेयर। फिलहाल हम आ चुके हैं इस पार्किंग वाले पॉइंट तक, और अभी मैं और अभिनव जा रहे रेस्टोरेंट के अंदर। खड़ी है हमारी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी, बहुत करने वाला भीग गए हैं, बट अभी भी चलो एटलीस्ट हम अपनी गाड़ी के नज़दीक तो आ ही गए हैं, भले ही भीग गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के नज़दीक आ गए, पूरी शर्ट बैक से फ्रंट से, शूज़ वगैरह मेरे सब भीग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या पागलपन किया है बारिश में वाइट शूज़ पहन के आने का, बट एनी विच वेज इतना रहा, चेंज कर लिया भाई, जितना भी रहा वी आर एंजॉयिंग इट। फिलहाल जाते हैं हम रेस्टोरेंट के अंदर, चलते हैं। जब भी आप लोनावला साइड आओ तो ये पावना लेक की साइड जब आओ तो मैंने ये छोटा रेस्टोरेंट है कि ढाबा है जो भी है, मैंने इसका नेम अभी दिखाया आपको एंट्रेंस में, इस जगह मत आना, क्योंकि ये सीक्वेंस के हिसाब से किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से ऑर्डर। और ये जो बंदा खड़ा है ये एक नंबर का, शायद ये इग्नोर कर रहे हैं या अपने काम के प्रति ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, तो ये मज़े में चल रहा है इनका सब हिसाब। इनकी शक्ल देख लो, ये हमारे बाद बैठे थे, इनकी टेबल पे चाय के कप्स रखे हैं और हमारी टेबल पे हमारे सामानों के अलावा कुछ नहीं रखा, और ये बंदा अभी भी इधर उधर सामान बांटने में बिजी, अब शायद हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या है भैया, चाय है ये, और भैया पकौड़े जल्दी ले आइए, मैगी होगी, बोला है एक क्यों बोला है भैया, दो करो भैया, भजिया पकौड़े ले आओ,
फिलहाल आगे ही अच्छा है और देखते हैं फिर वापस से बोलने में 8 बजे। अभी हमारे आ चुके हैं भजिया। क्या क्या हो गया? कौन कर सकते हैं ऐसा है कुछ? ठीक है, यहाँ की भजिया थोड़ी सी क्रिस्पी, थोड़ी सी सूखी। अरे बस फाइनली हमारी हो चुकी यहाँ की जर्नी समाप्त, क्योंकि खास कुछ यहाँ पे था नहीं, जो था मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल अभी हम गाड़ी निकाल रहे हैं अपनी, बैक कर रहे हैं और बैक करके वी गोना